देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार मढ़ने का सिलसिला जारी चलता चला जा रहा है। बता दें आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई जो छोटे मोटे दल हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, प्लस घोटालों की भी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में जितने तिकड़म भिड़ा सकते हैं नेता, वो सभी तिकड़म यहाँ पर भिड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है वो थमेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी को खटके। बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं दमदार बोलते हैं, ये हमने देखा है। हम ना ही उनको सपोर्ट करते हैं ना ही उनकी बात को एग्री करते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी हुई है, जिस तरह से साउथ से आके उन्होंने अपना नाम बनाया है, दिल्ली के संसद में वो दहाड़ते हैं, अपना बयान देते हैं, अपनी बयानबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की एक अलग छवि है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार जो सवाल पूछा है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो क्या अब सही है? क्या उसका जवाब बीजेपी के पास है? साफ तौर पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह से पूछा है कि क्या पुलवामा हमले के दौरान दोनों बीफ बिरयानी खाकर सोए थे? ओवैसी ने हाल ही में एक एजेंसी से बात करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बालाकोट में भारतीय हवाई हमले में 250 आतंकी करीब मारे गए। फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि NTRP ने मौके पर 300 सेलफोन टेप किए। ओवैसी ने यह भी कहा, ओवैसी ने मान लीजिए पूछा कि इन मोदी सरकार को बालाकोट में 300 सेलफोन तो दिख गए, लेकिन इनकी नाक के नीचे हुए पुलवामा हमले में उपयोग किया गया 50 किलो RDX नहीं दिखा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीफ बिरयानी खाकर सो रहे थे? यानी कि बीफ बिरयानी को लेकर जो तंज कसा है वो असदुद्दीन ओवैसी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और एक तरह से जो वकालत जो उन्होंने की हुई है उसका पूरा पूरा अपना जो तजुर्बा है वो उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के से लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि मेरी लड़ाई उन ताकतों से है जो देश में भाईचारा और सेक्युलरिज्म को लगातार खत्म कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि देश में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो मैं कहूंगा नहीं, यहाँ एक ही राष्ट्रीय भाजपा है, दूसरी तो डेढ़ भाजपा है। भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ उसमें 40 CRPF जवानों की जो शहादत हुई, इस हमले में जैश ए मोहम्मद ने के आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी में 100 किलो से ज्यादा RDX भरकर सैन्य बलों की बस को निशाना बनाया था। अब ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जांच तो आप कर नहीं पा रहे हैं और उसके बाद आपको इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं। अब इस तरह की राजनीति, इस तरह की बीफ बिरयानी वाले जो बयान है, इस बयान पर क्या मोदी अमित शाह को जो साउथ में जो वोट बैंक है उससे हाथ धोना पड़ेगा? क्या हैदराबाद में यहाँ पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है, अपनी लड़ाई जो है वो छेड़ दी है। अब सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद राफेल का मुद्दा अभी नहीं बुना पा रही है, जो सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बता दे रही है, हालांकि वाकई में सबूत नहीं मांगे जाने चाहिए, सेना की कार्रवाई और उनके पराक्रम की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर साफ तौर पर निशाना साधा है कि जो हमला हुआ हमारे CRPF के जवानों पर, हमारे अपने लोगों पर, उस हमले के दौरान ये क्या कर रहे थे, क्यों इन्होंने इस तरह का एक्शन पहले नहीं लिया। अब सवाल ये भी है कि इस तरह की राजनीति पर अब आरोप प्रत्यारोप और कितने मढ़े जाएंगे, कितनी सियासत और गरमाएगी, ये भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।